मसाला डाला, नींबू डाला, छोड़ा और सोडा। चल भाई स्टार्ट कर। आलू कैसे लग रहे हैं उसके? बढ़िया। चलो भाई हम भी खाते हैं। ये मैगी मैगी आ गई है, ऐसी मैगी किसने खाई है भाई बताओ आज तक? पनीर गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, मटर, भाई मैंने नहीं खाई आज तक। तुमने खाई है कमेंट करके बताना गाइस। और ये मैंने मंगा रखे गोभी के पराठे, ये शिकंजी। फिर सही है आप शिकंजी बिटी है ना, कोक भी आ गई है अपना, ये पैसे और हम ये खा रहे हैं। तो गाइस ये पहला घस्सा खा रही है मैगी का, एक क्या होता है फिर भाई इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बाहर मिलती है ना खाली उबाल के सब्जियाँ डाल दी। आगे देखिए बस जिसने मंगाया मैगी पहले। पूरा एक चम्मच खाना है एक बार तक मालूम होगा, मैगी तो वैसे ही उबाल रखी है उसने। कैसी है? बढ़िया है ना? ये खाई क्या पानी खा रहा है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम बरसाना पहुंच चुके हैं। बोर्ड दिखाया जा रहा है यहाँ से, एक किलोमीटर का रास्ता है अभी यहाँ से। तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा लोग आ रखे हैं, बसेस भी बुकिंग है सारी। अब देखते हैं वहां का सीन क्या है। तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई, तो गया भाई तो वीडियो बना। हाँ भाई ये बरसाना है क्या ये तो बता पहले, मेरे को तो नहीं पता भाई। ये राधा रानी का घर है। अच्छा, राधा रानी का घर है, नगरी नगरी। हाँ तो बताएंगे लोग, देखिए थोड़ी ओके देखते हैं लोग। अब जैसे मंदिर जाओगे कोई, यहाँ पे क्या चीज फेमस है वैसे देखा जाए तो? भाई यहाँ पे राधा रानी का महल फेमस है और कीर्ति मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी और यहाँ पे प्रियंका रेडी है। वेल गाइस ये है मंदिर, कीर्ति मंदिर। तो काफी बड़ा है ये तो। चले यहाँ मोस्टली लोग गोवा रखे हैं, क्या बोलते हैं राजस्थान में। तो ये रहा मंदिर। काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मेन गेट पीछे है, मेन गेट पीछे है। मैं पीछे चलो वहीं तो जा रहे। तो वैसे भी हम एंट्री करेंगे अंदर, काफी सुंदर है। हाँ देखो अंदर से सुंदर लग रहा है। वाओ यहाँ पे लगा है वीडियो बन ली जान। नहीं लगाना है, सही है सही है। नहीं तो गाल पे लिखवा ले, आधे आधे गाल पे लिखवा ले। नहीं मुझे खाली राधा राधा लिखवाना है, वो भी गाल पे। लाल से लाल से
तो गाइस फाइनली हम अभी अंदर जा रहे हैं, हम मंदिर के अंदर। भाई बहुत गर्मी हो रखी है, जूते हमने रखवा दिए अंदर, अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। बहुत अच्छा है भाई, हवा चल रही है। तो फाइनली हम एंट्री करेंगे यहाँ से, तो ये है एंट्री। तो वैसे एंट्री हमने कर ली है, हमें भी सुंदर लग रहा है गाइस। वाओ, ऐसी वीडियो बनाने की मैं सीढ़ियों चल रही हूँ, उस टाइम कोई भी नहीं है, मतलब समझ रहा। ठीक है टायर कितनी गर्म हो रही है भाई। तो गाइस ये है मंदिर जिसे हम बोलते हैं कीर्ति मंदिर, राधे राधे। यहाँ पे इतने लोग आ रखे हैं, और जो मेन मंदिर है शायद वहाँ पे है, आप देख रहे हो, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे कुछ बन रहा है उस एरिया में, और काफ़ी अच्छा कलरफुल किया है अभी इस टाइम पे हमें दिख रहा है। हम रात को भी आए थे, सेम वही मतलब सेम मंदिर था, तो अभी का फिलहाल अभी आप दिख रहे हो, काफ़ी कलरफुल है। देखो गाइस डेकोरेशन कितना प्यारा कर रखा है उन्होंने, यहाँ से आप देख रहे हो पूरे का पूरा एरिया अच्छे से डेकोरेट करते हुआ बीच में तक प्यारा मंदिर बना रखा है। तो हम अभी जा रहे हैं अंदर कीर्ति मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हो सर, ये जो बनाया गया है ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है, और आप देख रहे हो हर एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे हर एक चीज़ ऐसी बनाई गई है जो एकदम खुरद खुरद की, तो उसकी हर एक मंदिर का जितना ही पार्ट है ये पूरा का पूरा खुरद खुरद के बनाया गया है, और बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। इसको बनाने बहुत टाइम लगा होगा आई नो, बट बहुत अच्छा बनाया गया है इसको, जिस हिसाब से बनाया गया है इतना अच्छा बनाया है कि अद्भुत। वाह, ये यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं आप देख रहे हो यहाँ। सो जैसे मैं आपको बता रहा था, जितना भी यहाँ का एक एक चीज़ है वो सब हाथ से बनाया गया है, और जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हाथी जी, और यहाँ का जितना भी अंदर का इंटीरियर है सारा का सारा हाथ से बनाया गया है, और आप सोच रहे इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा इस। और यहाँ पे जो मंदिर का नाम जो है कीर्ति मंदिर, ये इतना अद्भुत है, इतना सुंदर नाम रखा हुआ है। मंदिर बनाया भी उसी दिशा में है जहाँ से सूर्य उदय होता है, और जहाँ सूर्य उदय हो रहा है उसी साइड से इसका फेसिंग है, तो काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जितने भक्त हैं वो सब आ रखे हैं जो अपने यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है। वाह, सो गाइस ये है मंदिर। सो गाइस अभी हम आ रखे हैं जैन से गंजी के पास, जय मस्ती। अभी इन्होंने क्या डाला ये सही है, गरम मैं ना ले लिया ना मसाला, मैंने वहाँ बनाऊंगी ऐसे से ले लिया, ये देख ना मसाला ले लिया, वो दिखा वो मसाला आगे डब्बे आगे रहता है। अरे वाह, ले लिया हम सब कुछ गंजी बनाए लोगे एक घर के लिए। कितने पैकेट है इसमें कितने पैकेट है? ले ले
तो वैसे ये हमने ले लिया है, अभी घरे बनाएंगे मस्त एकदम शिकंजी मसाला। अच्छा ये फेमस है इसका है शिकंजी वाला। लो ये एक पैकेट भी दे दो। कैसे मालूम कर लिया कि आप बोल रहे हो ये की बोल रहे हो? हाँ ये की आप ये करें, पहले टेस्ट करो फिर पैसा दो। बस सोडा डालते हैं। हाँ पानी नहीं सोडा भाग रो डालते हैं पानी थोड़ा पानी में डालेंगे चाहिए नहीं सोडे से ही बना रहे हैं भाई सोडे में ज़्यादा अच्छी लगती है। सोडा ही पता है मुरार में लहर का मिल जाता है, लहर का ही मिले रहता है सोडा, फिर ज़्यादा होती है इसमें। हम तो दो बन गई धूप बहुत है यार। पैकेट में शिकंजी क्यों काट रहे हैं आप तो? इस पे हो गया, मैं पी लूंगा कितने और देंगे? रुक जा 170 ले जाओ आप। कितने का है ये डब्बा? मैं तो कह रहा था ना कि जो बंदर है उस गाड़ी में मत कर, उसने अपना पाँव का ऊपर कालापन लगा दिया पूरे इसमें। सही हो गया ना बीदी में तो मस्त हो रखी है, मस्त हो रखी। घर में कितनी है बहन जो, और कह रहे मंदिर जाना ऊपर। और जब कभी भी आओगे यहाँ पे, ये कौन सी जगह भाई? ये है पलवल रोड। पलवल रोड के यहाँ पे आपको मिल जाएगी दिल्ली की तरफ, ये देखो जाते वक्त ये देखो। घर के लिए भी ले लिया इसने भाई, देखियो ये देखियो बंदर उठा के, बंदर के एक कपड़ा दे दे भाई, साफ नहीं होगी फिर। ये कपड़ा रखा है गाड़ी में, वो बंदर उठाया था गाड़ी में, ऐसा हो गया। अच्छा चल रही छाए में है, रुक जा शिकंजी तो ले रखी है, शिकंजी तो ले रखी है। कई रिएक्शन हो गया, उल्टी उल्टी मारे सारे शिकंजी में। भाई पानी चाहिए होगा यार थोड़ा सा, ₹150 पूरी गाड़ी वैक्यूम मारेगा, फोम वॉश मारेगा, दोस्तों ऊपर पड़े 100 रुपये। बहुत खट्टा है भाई, ले नहीं पी जाएगी उससे, अब रख ले थोड़ी देर में। ढक्कन खुला हुआ है इसका, इनका इसको आगे रख दिया कुछ इंच उसमें। रुक जा मैं रख देता हूँ, पी ली मैंने, प्राशु का है।
ज़्यादा नहीं जाती भाई, ये सोडा है ना। और दिल्ली की तरफ से निकलते हैं, कम से कम यहाँ से अभी 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। अयो कहाँ पे वो है, पानी है वाला वाला। नहीं पानी है, पानी। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको। गर्मी बहुत है यार।